नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही YouTube चैनल आलोक ब्लॉग पर। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मेरे गार्डन का अरेंजमेंट जो मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया है, जैसा कि दीपावली आ रही है और दीपावली में सफाई का काम लगभग घर घर पे होता है, लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ा काम था वो मेरे गार्डन का अरेंजमेंट करना था, क्योंकि ये दीपावली के बाद का जो टाइम होता है ये सर्दियों की शुरुआत होती है और सर्दियों की शुरुआत में इंडोर प्लांट्स जो होते हैं उनका अरेंजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैंने अपने एग्लोनीमा को ऐसे एरिया में शिफ्ट किया है जहाँ पर वो फॉग का सामना थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस बार पक्का ठान के रखा है कि जहाँ पर मैंने अपने एग्लोनीमा का रखा है वहाँ पर मैं उनके लिए एक छोटा सा पॉली हाउस बनाऊंगा। पॉली हाउस बनाने का रीज़न ये है जिससे वो फॉग से बचे रहें और उस पॉलीथीन से छन कर उनको सूर्य का प्रकाश भी मिलता रहे, जिससे वो बचे रहें सर्दियों में मरने से। पिछली बार मेरे जो एग्लोनीमा के ज़्यादातर प्लांट्स खराब हुए थे वो सर्दियों में खराब हुए थे, और मैक्सिमम गार्डनर्स का यही प्रॉब्लम होगा कि सर्दियों में उनके ज़्यादातर इंडोर प्लांट्स खराब होते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप सबसे पहले तो, ये बहुत अच्छा टाइम है, हर घर में साफ सफाई का काम चल ही रहा होगा, तो लगे हाथ आप जो है अपने गार्डन का अरेंजमेंट कर लीजिए जिससे आपके गार्डन के अंदर जो प्रॉब्लम विंटर में आने वाली है वो ना आए। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अभी तो मैं कर ही रहा था और पसीना पूरा आया हुआ है। यहाँ पर मैं अपने गार्डन अरेंजमेंट में लग गया हूँ। मैंने बहुत सारे प्लांट यहाँ पर इस एरिया में नीचे ज़मीन पर रखे हुए थे, और मेरे जो प्लांट ऑनलाइन अभी आए हैं एज अ गिफ्ट, जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, वो भी मैंने इधर ही एरिया में रख छोड़ा था। मैंने सोचा कि इतना दिन एक बंद डब्बे में ट्रेवल किया है इन्होंने, तो इनको अभी तुरंत रिपोर्ट नहीं करता हूँ जिससे इनको शौक ना लगे। अगर ये ओपन रूट्स आए होते, बेयर रूट्स आए होते, तो मैं इनको इमिडिएटली रिपोर्ट कर लेता, लेकिन ये एक बंद जो है अच्छे गमले में आए हुए हैं तो रखा जा सकता है इनको। मैंने इनको लगाने के लिए धान की भूसी जो है एक गर्म पानी में जो है लगभग 1 किलो धान की भूसी भिगो कर रख दी है, और कल मैं उसको छान कर धूप दिखाऊँगा। जब वो अच्छे से डिकार्बनाइज हो जाएगी उसके बाद भी मैं उसको हल्का सा जो है वो गर्म कढ़ाई में जो है हल्का सा जो है गर्म करूँगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो डिकार्बनाइज हो जाए। तो मैंने वहाँ से सारे प्लांट हटा लिया और वहाँ पर मैं शिफ्ट करने वाला हूँ अपने एग्लोनीमा को। एग्लोनीमा जो होता है ना ही वो तेज़ गर्मियों को सहन कर पाता है, ना ही तेज़ धूप को सहन कर पाता है, और इसका एक जो सबसे बड़ा चीज़ होता है कि ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, और सर्दियों में ख़राब होता है ठंड हवाओं से और फॉग से। तो मैं इसको, आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसी जगह पर क्यों शिफ्ट कर रहा हूँ जहाँ पर इसको फॉग लगेगा, तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया कि मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं सोच क्या रहा हूँ। तो अगर वो चीज़ जो है पॉसिबल हो गई तो फिर वो एरिया इनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। थोड़ा एक चीज़ को माइंड मत करिएगा, मेरे स्टैंड बहुत ज़्यादा मतलब इनमें रश आ चुका है, और मैं कोशिश करूंगा कि दीपावली के पहले पहले जो है इनके इन सारे रश को रगमार्क से हटाकर और उसके बाद जो है इसे मैं ठीक कर लूँ। इस पे वाइट कलर ही करूँगा फिर से, मुझे वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है स्टैंड का। और देखिए सारे एग्लोनीमा मेरे यहाँ पर आ गए हैं, सब बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन मेरी सबसे ख़राब हालत जो है वो लिपस्टिक एग्लोनीमा के जो मैंने बेबीज तैयार किए हैं उनकी हो रही है। तो उस एरिया में मुझे लगा कि इनको थोड़ा बहुत धूप की कमी लग रही है, नमी कई कई दिनों तक रुक रही थी, और नमी अचानक से मतलब अगर आप आज सिंचाई कर दीजिए तो कल परसों तक जो है वो नमी जो है जा ही नहीं रही थी, तो तीसरे चौथे दिन सिंचाई करनी पड़ रही थी। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि धूप की कमी की वजह से ऐसा हो रहा हो, लेकिन वहीं पर देखिए जो है पिंक पनामा है और जो है बाकी के प्लांट्स जो हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर इनको शिफ्ट कर लिया है और यहीं पर इनके लिए मैंने सोच रखा है कि एक अच्छा पॉली हाउस बनाऊंगा जिससे ये सर्दियों में बचे रहें। अब ये एरिया जहाँ पर मैंने अपने जीजी प्लांट रखे हुए थे सारे, यहाँ पर मैं सब सारे मैंने सिंगोनियम शिफ्ट कर लिए। सिंगोनियम रखने का भी कारण वही है कि मुझे इनके लिए भी थोड़ा बहुत धूप की कमी प्रतीत हो रही थी, तो मैंने यहाँ पर रख लिया, और जहाँ पर मतलब ये सिंगोनियम थे और एग्लोनीमा कुछ रखे हुए थे वहाँ पर मैंने सारे जो है अपने जीजी प्लांट शिफ्ट कर दिए। और उसके बाद नीचे जो मेरे कुछ पौधे रखे हुए थे जैसे पेंडानेस के, देखिए मैंने पेंडानेस सारे उठाकर स्टैंड के बीच वाले एरिया में शिफ्ट कर दिया है, और जैसे ही मेरा ग्राउंड ठीक हो जाता है ये सब तो ग्राउंड पर मैक्सिमम प्लांट आ जाएंगे। और मैंने अपने ब्लॉग वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो शेयर भी कर रखा है कि मैं अपने इंडोर गार्डन के लिए भी एक अलग जो है
स्पॉट तैयार कर रहा हूँ और मैं अपने आउटडोर गार्डन के लिए भी जो है वो ज़्यादातर ग्राउंड पर रखने का जो है वो इंतज़ाम करूँगा। तो इस वजह से अब जल्दी ही आप लोगों को गार्डन का नया स्वरूप देखने को मिलेगा। एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि आपके पास एक बड़ा एरिया दिखता है, मतलब आपके घर के सामने, अगर आप चाहें तो एक अच्छा खासा गार्डन तैयार कर सकते हैं जिस तरीके से आपने इंडोर प्लांट्स रखे हुए हैं, बहुत ही मैसी दिखता है। तो मैं कतई उस कमेंट को जो है वो डिनाई नहीं करूँगा। अभी मेरे इंडोर प्लांट बहुत ही मैसी तरीके से रखे हुए हैं, जब मेरे पास प्लांट कम थे तो बहुत अच्छे लगते थे, मैंने उनको बहुत ही बढ़िया से अरेंज कर लिया था। अब मेरे पास प्लांट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, धीरे धीरे करते करते मेरे पास एक अच्छा कलेक्शन इंडोर प्लांट का बन गया। और उसी में थोड़ा बहुत हुआ क्या कि मेरे साथ जो है वो देखभाल में भी कमी हुई, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई। तो अभी इतना अरेंजमेंट मैंने कर लिया है और अभी जब एक दो दिन की छुट्टी मुझे और मिलेगी तो उसमें भी मैं ज़्यादातर जो है वो पौधों को अपने अरेंज करने की कोशिश करूँगा। तो ये है जो है मेरा ये एरिया जहाँ पर मैंने ये सारे काम करे हैं। मैंने सोचा कि एक ब्लॉग बनाकर आप लोगों के साथ जो है वो अपने गार्डन का छोटा सा अरेंजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अभी वीडियो आगे और है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपने मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों के साथ अपनी लाइफ जर्नी शेयर की थी और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दिया था, अपनी एजुकेशन से लेकर जो है अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड को आप लोगों के साथ शेयर किया था, उस वीडियो पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आप लोगों का आभार व्यक्त किया था और फिर से इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिस तरह से इनकरेजिंग कमेंट आप लोगों ने दिए वो मुझे बहुत अच्छा लगा और साथ ही साथ कुछ लोगों के जो ओपिनियंस थे और जो प्रोत्साहित करने वाले कमेंट थे, लगभग सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ने में अच्छे लगे। लेकिन एक कमेंट जो जिसमें था कि हमें अपने बीते दिनों से प्रेरणा लेनी चाहिए, मतलब अगर किसी तरीके से असफलता हुई हो या फिर जीवन में ऐसे बुरे क्षण आए हो जो किसी तरीके से हमारे मस्तिष्क या फिर हमारे मन के लिए जो है एक बुरी छाप छोड़ने वाले हों, तो उनसे प्रेरणा लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सही आप लोगों ने, मतलब आपने कहा, लेकिन मेरा वहाँ पर एक मोटिव और भी था कि मेरे साथ जो मतलब बचपन में चीज़ें हुई, भले ही वो शारीरिक ताड़ना के कोई चिन्ह मेरे शरीर पर ना हो, लेकिन जो मानसिक चीज़ें, मानसिक रूप से जो चीज़ें मेरे मस्तिष्क पर अब तक छपी हुई हैं, वो चीज़ें जो है उनको भुला पाना मेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल था, वरना मैं शायद यहाँ पर आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर भी ना करता। कहीं ना कहीं मेरे मन में वो दुख व पीड़ा थी जो मैंने आप लोगों के सामने व्यक्त की। एक बच्चा जो होता है वो कच्चे घड़े के समान होता है, कच्चा घड़ा होता है मिट्टी का, जब तक वो पकाया नहीं जाता उस पर आप उंगलियों के जितने छाप दे दीजिए वो सारे छाप आप लोगों को उस पर दिखाई देंगे, और जब वो घड़ा पककर तैयार हो जाता है तब भी वो छाप उसके ऊपर ज्यों के त्यों बने रहते हैं, मतलब जीवन पर्यंत वो वैसे का वैसे ही दिखता है और वो चीज़ें उसके ऊपर वैसे की वैसी ही छपी दिखाई देती है। तो सोचिए एक बच्चा जो कच्चे घड़े के समान होता है, जो बचपन में अगर एक सीख सीखता है तो जीवन भर वो उसके साथ रहती है, अगर वो किसी कुसंगति में पड़ जाता है तो वो कुसंगति के लक्षण जीवन भर उसके आसपास दिखाई देते हैं। तो सोचिए अगर उसके साथ कुछ बुरा विघटित होता है, किसी तरीके से उसे नीचा दिखाया जाता है, कमतर आका जाता है, उसको बुली किया जाता है, परेशान किया जाता है, चढ़ाया जाता है, उसकी हंसी उड़ाई जाती है बात बात पे, जबकि हर बच्चा अपने आप में विशेष होता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से किसी तरीके से कमज़ोर हो फिर भी वो विशेष है, मानसिक रूप से कमज़ोर है फिर भी वो विशेष है, अगर बच्चा कुरूप है तो वो फिर भी वो विशेष है, बच्चा बहुत सुंदर है फिर भी वो विशेष है। तो हर बच्चा अपने आप में विशेष है। अगर आप लोग का बच्चा भी किसी तरीके से आप लोगों से आकर कह रहा हो ना कि फला व्यक्ति उसको किसी तरीके से परेशान कर रहा है, चिढ़ा रहा है, तो तुरंत उससे बात करनी चाहिए या फिर अपने बच्चे से उस व्यक्ति को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए, या फिर सख्त लहजे में जो है उसी से कहिए कि मेरे बच्चे से दूर रहिए। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग दिखावे के देखभाल बताते हैं कि मैं आपके बच्चे के भले के लिए बोल रहा हूँ, दिखावे के लिए कहेंगे कि मैं आपके बच्चे को सुधारने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन एक बच्चे को सुधारने का जो दायित्व तो होता है वो उसके परिवार का होता है, उसके माता पिता भाई बहन या फिर जो है घर के अंदर दादा दादी होते हैं, सिर्फ इतने लोग, बाकी लोगों का तो मुझे लगता है कि वो एक प्रतिद्वंद्वी बन जाता है बाकी लोगों के लिए, चाहे वो एक संयुक्त परिवार में रह रहा हो या फिर विलगित परिवार में।
तो फिर आप अपने बच्चे की देखभाल स्वयं करिए, किसी के ऊपर इसका दायित्व तो मत थोपिए। और अगर बच्चा किसी तरीके से आपसे आकर कह रहा है कि हाँ उसको किसी चीज़ से असहजता महसूस हो रही है, तो तुरंत उसका निदान कीजिए, बच्चे के आत्मसम्मान की रक्षा करिए। बहुत ज़रूरी होता है, एक बार टूट गया तो फिर जीवन भर नहीं जुड़ता है। और इसके साथ साथ बच्चे की देखभाल, बच्चे को प्रेम दीजिए, समय दीजिए। अगर इन सारी चीज़ों को देंगे तो आपका बच्चा भी कल को मेरी तरह से बैठ कर यहाँ पर शिकायतें नहीं कर रहा होगा। बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे आप लोगों से करूँगा। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए जो है एक एक वीडियो गले की हड्डी बनती जाएगी। इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।